नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। और ये जो माहौल है पूरे बंगाल का, नंदीग्राम जी उससे अछूता नहीं है। और आज मैं जब यहां आया तब एक दुखद समाचार भी मिला, जहां ममता दीदी रात को निवास करती है उसे एक किलोमीटर के दायरे के, पांच किलोमीटर के दायरे के अंदर ही एक महिला पर बलात्कार हुआ। अब महिला सुरक्षा की बात करने वाली ममता दीदी को मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि बलात्कार करने वाले आपके निवास से पांच किलोमीटर दूर आपकी उपस्थिति में जब आप नंदीग्राम में हो तब बलात्कार करते हैं तो बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा? कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक वृद्ध मां को पीट पीट कर मारा जाता है, कल उनकी भी मजमूदार माई की कल मृत्यु हो गई। और ममता दीदी स्वयं महिला सुरक्षा की बात करती, एक कॉन्ट्राडिक्शन को बंगाल की जनता भली भांति जानती है। पूरा बंगाल घुसपैठ नहीं चाहता है, पूरा बंगाल चाहता है कि सीएए के माध्यम से शरणार्थियों को नागरिकता मिले, पूरा बंगाल चाहता है कि यहां पर उद्योग लगे, विकास हो, यहां के बच्चों को रोजगारी मिले, पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से हो, विश्व स्तरीय हो, बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय हो, कलकत्ता एक विश्व स्तरीय शहर बने और फिर से एक बार बंगाल की संस्कृति का बोलबाला पूरे देश भर में, दुनिया भर में हो। एक दृष्टि से सोनार बांग्ला का स्वप्न जो महर्षि अरविंद और गुरुवर टागोर ने देखा था वो मोदी जी के नेतृत्व में ही साकार हो सकता है। पूरे बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए अपने वोट देने की बारी का इंतजार कर रही है, नंदीग्राम में भी मैंने यही देखा है। मैं आज नंदीग्राम की जनता को भी अपील करना चाहता हूं कि आपको सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को जिताता नहीं है, ये तो जिताओगी ही, मुझे भरोसा है, परंतु इतने प्रचंड मार्जिन से जिताना है जिससे आने वाले दिनों में जनता को दिए हुए वादों से मुकरना किसी भी राजनेता के लिए नामुमकिन हो जाए। मां मानुष माटी का नारा जो था, इससे जिस प्रकार का द्रोह किया गया है, ऐसा द्रोह करने की लंबे समय तक कोई हिम्मत न करे, इतने प्रचंड मार्जिन से श्री शुभेंदु अधिकारी को जिताइए, ऐसी अपील कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर अमित शाह ने तीखा हमला किया है और बड़ा हमला किया है। साफ तौर पर कई गंभीर आरोप लगाए। नंदीग्राम में रोड शो के बाद अमित शाह ने यह बयान दिया है और ये कहा कि जहां पर महिला के साथ बलात्कार हुआ है उसके वो कुछ ही दूरी पर जहां पर ममता बनर्जी थी उसके पास, वहां पर वो गुंडे थे, वो लोग थे जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। क्या कुछ कहा सुनिए। नंदीग्राम की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं। नंदीग्राम की जनता से जो अलप जलप बात, मंदिर, एक खीरा काटने वाली माई की दुकान पर और कुछ कार्यकर्ताओं से हुई, सबका एक मूड है कि परिवर्तन तो पूरे बंगाल में करना है, मगर पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का एक सरल रास्ता है, नंदीग्राम में ममता दीदी को हरा दो। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। और ये जो माहौल है पूरे बंगाल का, नंदीग्राम जी उससे अछूता नहीं है। और आज मैं जब यहां आया तब एक दुखद समाचार भी मिला, जहां ममता दीदी रात को निवास करती है उसे एक किलोमीटर के दायरे के, पांच किलोमीटर के दायरे के अंदर ही एक महिला पर बलात्कार हुआ। अब महिला सुरक्षा की बात करने वाली ममता दीदी को मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं
कि बलात्कार करने वाले आपके निवास से 5 किलोमीटर दूर आपकी उपस्थिति में जब आप नंदीग्राम में हो तब बलात्कार करते हैं, तो बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा? कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक वृद्ध मां को पीट पीट कर मारा जाता है, कल उनकी भी मजमूदार माई की कल मृत्यु हो गई, और ममता दीदी स्वयं महिला सुरक्षा की बात करती, एक कॉन्ट्राडिक्शन को बंगाल की जनता भली भांति जानती है। पूरा बंगाल घुसपैठ नहीं चाहता है, पूरा बंगाल चाहता है कि सीएए के माध्यम से शरणार्थियों को नागरिकता मिले, पूरा बंगाल चाहता है कि यहाँ पर उद्योग लगे, विकास हो, यहाँ के बच्चों को रोजगारी मिले, पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से हो, विश्व स्तरीय हो, बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय हो, कलकत्ता एक विश्व स्तरीय शहर बने और फिर से एक बार बंगाल की संस्कृति का बोलबाला पूरे देश भर में, दुनिया भर में हो। एक दृष्टि से सोनार बांग्ला का स्वप्न जो महर्षि अरविंद और गुरुवर टागोर ने देखा था, वो मोदी जी के नेतृत्व में ही साकार हो सकता है। पूरे बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए अपने वोट देने की बारी का इंतजार कर रही है, नंदीग्राम में भी मैंने यही देखा है। मैं आज नंदीग्राम की जनता को भी अपील करना चाहता हूं कि आपको सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को जिताता नहीं है, ये तो जिताओगी ही, मुझे भरोसा है, परंतु इतने प्रचंड मार्जिन से जिताना है जिससे आने वाले दिनों में जनता को दिए हुए वादों से मुकरना किसी भी राजनेता के लिए नामुमकिन हो जाए। मां मानुष माटी का नारा जो था, इससे जिस प्रकार का द्रोह किया गया है, ऐसा द्रोह करने की लंबे समय तक कोई हिम्मत न करे, इतने प्रचंड मार्जिन से श्री शुभेंदु अधिकारी को जिताइए, ऐसी अपील कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। तो आपने अमित शाह को सुना, और चलिए आपको हम वो रोड शो दिखाते हैं अमित शाह का, 5 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। देखिए जबरदस्त भीड़ के साथ ममता बनर्जी का एक तरफ रोड शो, साथ ही साथ आपको हम ये भी दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से ममता बनर्जी बकायदा व्हील चेयर पे अपना रोड शो कर रही है। हमारे साथ इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जुड़ गए हैं, रोड शो पर है नंदीग्राम में। सर, आखिरी दिन है प्रचार का, इस जुलूस को देखकर कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं? निश्चित रूप में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी बड़े मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने वाला है। सामने कोई हल्का कैंडिडेट नहीं है, मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल के, उन्होंने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जनता के सामने कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, जनता मुख्यमंत्री बनाती है, बिगाड़ती है, जनता सबसे महान होती है। मुख्यमंत्री यहाँ पर 3 दिन से कैंप करके बैठी हुई है, अपना पूरा जो जोर है नंदीग्राम पे ही लगा रही है, वो ही बताता है कि इनके लिए कितना कठिन चुनाव। सर ये बताइए कि वो काफी सारे दावे कर रही है कि भाजपा यहाँ पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, लोगों को पुलिस के यूनिफॉर्म दे रही है ताकि वो वोटरों को डराए पुलिस बनके। हारने वाले अक्सर ऐसा ही कहते हैं। तो आप फिर भी कॉन्फिडेंट है सर, फिर भी आप कॉन्फिडेंट है इस सैलाब को देख? देखिए ये भीड़ देखिए कहाँ माहौल बिगड़ा हुआ है, उत्साह का माहौल है, मोदी जी के लिए भाजपा के लिए सारे लोग एकजुट होकर आ रहे हैं। जो कह रही है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स को ला रही है बीजेपी, बीजेपी अपने साथ स्टेट आर्म्ड पुलिस ले आ रही है, क्रिमिनल्स लेके आ रही है, क्रिमिनल लेके आ रही है तो वो पकड़ ले, प्रशासन उनके हाथ में कौन रोक रहे है? सर आपने पहले फेज के लिए 26-30 में से आपने आकलन लगाया था, दूसरे फेज में कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, कोई आकलन है? देखिए पहले फेज में भी मैंने कंजर्वेटिव आंकड़ा कहा है, दूसरा फेज समाप्त होने के बाद मैं जरूर बताऊंगा। 200 पार का जो है वही आपका कॉन्फिडेंस है, 200 पार वाला कॉन्फिडेंस? बिल्कुल 200 पार होंगे, 200 से ज्यादा सीट से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी।
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे देश के गृह मंत्री आज तक से खास बातचीत करते हुए। कैमरामैन साजिद आलम के साथ पौलमी साहा नंदीग्राम से आज तक के लिए। और नंदीग्राम के बाद अब सीधे आपको ले चलते हैं डबरा, जहां पर अमित शाह का दूसरा रोड शो होने वाला है। श्वेता सिंह हमारे साथ वहां से जुड़ रही हैं। श्वेता बताइए वहां पर किस तरह का कार्यक्रम, कितना जोश कार्यकर्ताओं में, नंदीग्राम को हमने देख लिया, डबरा की तस्वीरें। 2014 के इर्द गिर्द श्वेता जिस तरीके से अमित शाह ने यह ऐलान कर दिया था कि बंगाल उनका अगला लक्ष्य है, यानी कि देश में सरकार बनाने के साथ ही किस तरीके से उन्होंने ये तय कर दिया था कि बंगाल में सीटें अधिक से अधिक जीतेंगे, उसकी एक झलक आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर डेबरा नाम की ये जो जगह है जहाँ पर उनका दूसरा रोड शो है, वहाँ पर एक मुख्य बाजार के इलाके को चुना गया है जहाँ से अमित शाह की जो यात्रा है वो शुरुआत होगी। और दूर दूर तक आपको यहाँ पर लोग दिख जाएंगे, कुछ बीजेपी कार्यकर्ता है और बाकी लोग जो कौतूहल में आए हैं सामने के लिए देखने के लिए। लेकिन एक बार अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे, लोगों को इसकी जानकारी मिलेगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि और ज्यादा भीड़ उमड़ेगी, क्योंकि रास्ता इस ओर की ओर जाता है, इसीलिए उस इलाके की भीड़ को देखकर बेहतर अंदाजा लगाया जा सकता है जो इस समय इंतजार कर रहे हैं अमित शाह का। ये रथ उनका यहाँ पर तैयार है जिससे वो निकलने वाले हैं, और उसके आगे जो पूरा काफिला उनका रहने वाला है। तो अमित शाह ने जिस तरीके से 2014 के बाद से यह तय किया था, देखिए भले अब पार्टी की जिम्मेदारी उनके पास एक अध्यक्ष के तौर पर नहीं है, लेकिन बंगाल की चुनौती उन्होंने ही स्वीकार करके रखी हुई है, और यहाँ पर जो 200 प्लस का टारगेट उनका है यह उनका ही है, जिसपे वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बेहद दमदार जीत होगी। और एक एक शब्द जो उनका श्वेता रहता है वो दावों से भरपूर रहता है, और उन दावों का जो फाइनल लिटमस टेस्ट है वो इन्हीं इलाकों में होना है। ये दूसरे दौर के मतदान से पहले प्रचार का अंतिम दिन, और उसका एक एक पल वो पूरा उसका उठाना चाहते हैं फायदा, और इसीलिए देखिए तीन रोड शो आज के दिन, और आखिर में डायमंड हार्बर पर एक जनसभा के साथ दिन का समापन उनका होने वाला है। श्वेता बिल्कुल, यहाँ पर श्वेता खास तौर पर काफी दिलचस्प है यहाँ पर मुकाबला, क्योंकि दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो हैं वो आमने सामने हैं। टीएमसी और बीजेपी दोनों ने ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उतारा है यहाँ पर। ये जो यहाँ पर चुनाव होना है अपने आप में वो भी इस मायने में काफी दिलचस्प हो जाता है। जी हाँ, और देखिए ना, जिस पार्टी ने केवल 3 सीटें जीती थी पिछले विधानसभा चुनावों में, अगर वो पार्टी इस बार सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी बनकर और चैलेंजर ही नहीं, अमित शाह के शब्दों में चैंपियन बनकर उभरने वाली है यहाँ पर, वहां पर सीधे तौर पर टीएमसी और बीजेपी के टक्कर, और इसीलिए दोनों के कैंडिडेट्स पर ज्यादा जोर हो जाता है। टीएमसी ने भी आज यहाँ पर ताकत झोंकी है, जैसे हमने नंदीग्राम में देखा था कि ममता बनर्जी पदयात्रा पर निकली है, वही अपने टूटे हुए पांव के साथ लोगों को ये बताते हुए कि उन्हें सहानुभूति की भी बात होती है और वहां पर उनके दावों की भी बात होती है। भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य को अप्रत्याशित कह दिया जाता है, लेकिन उन सारी चीजों के बाद डेबरा में भी पूरी तरीके से ताकत टीएमसी की ओर से भी झोंकी जा रही है, और दोनों कैंडिडेट्स जो आपने कहा श्वेता कि चूंकि एक जैसा प्रोफाइल यहाँ पर, देखिए और भी थोड़ा सा मैं आपको तैयारियां यहाँ दिखाऊंगी कि यहाँ किस तरह से आगे जहां तक आप देखेंगे वहां पर आपको केसरिया गुब्बारे ही गुब्बारे नजर आएंगे, कहीं पर प्रधानमंत्री के मास्क पहने हुए लोग नजर आ जाएंगे। सारे के सारे लोग यहाँ पर भले रस्सियों के साथ सबको पीछे रखा गया है, लेकिन ये पूरी पूरी लाइन जहां तक उनके रोड शो को जाना है उस पूरे इलाके तक सिर्फ आपको इस समय एक ही रंग नजर आएगा। तो जाहिर है अमित शाह जो दावा करते हैं यहाँ पर आज कार्यकर्ताओं को उनको दिखाना है कि उनके दावे के साथ किस तरह से ये लोगों को लामबंद कर पाए हैं, वोटरों को लामबंद कर पाए हैं। टक्कर बहुत कड़ी है सबके लिए, दोनों ही पार्टियों के लिए टक्कर बहुत कड़ी है, लेकिन दोनों ही पार्टियां सब कुछ झोंक रही हैं यहाँ पर। अमित शाह को देखने के लिए आए हैं गरीब मंत्री? यस, अमित जी के देखने आए। कौन जीतेगा यहाँ पे आगे? इतनी भीड़ आई है लोगों की? बीजेपी। बीजेपी का लोगों की भीड़ आई है? इतनी आई है। ठीक, तो ये इसी रास्ते पर आगे निकलना है इस यात्रा को, इस रोड शो को। श्वेता
बिल्कुल श्वेता, यहाँ पर समझना चाहेंगे आपसे कि ये जो रोड शो होने वाला है जहां पर आप हैं वहां से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन ये कहां तक जाएगा? और अक्सर हमने देखा है कि कार्यकर्ताओं की भीड़ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सवाल हर बार ये उठते हैं कि क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि भीड़ आपको दोनों पक्ष में नजर आ रही है। वही बात होती है कि भारत जैसे देश में, बंगाल जैसे प्रदेश में, जहां पर आबादी इतनी ज्यादा है, तो आपको लोग बाहर निकले हुए जरूर नजर आ रहे हैं। और देखिए, अमूमन जितने भी लोग हैं इसमें, आपको कार्यकर्ताओं के तौर पर ही दिखेंगे क्योंकि पार्टी के झंडे के साथ है, लेकिन ये भी समझिए कि कार्यकर्ता भी वोटर ही होता है। कितनी बड़ी संख्या में वो निकल कर आए हैं, कितनी बड़ी संख्या में जो आम लोग हैं, ये दुकानों, कभी भी कोई रोड शो होगा श्वेता, ऐसी जगहों को चुना जाता है जहां पर लोग बड़ी संख्या में आ सके, निकल सके। अब चूंकि ये पूरा रिहायशी इलाका, देखिए बाजार भी है और ऊपर घर भी है, तो अब कुछ देर में यही देखना है कि लोग बाहर निकलकर एक नजर देखने के लिए। अभी देखिए तापमान भी बहुत ज्यादा है, इस ब्रिज पर देखिए लोग रुके हुए हैं। अगर कैमरा उतनी जल्दी उस लाइट पर एडजस्ट करके आपको दिखा पाएगा, ये आम लोग ही हैं, कार्यकर्ता नीचे हैं, ये आम लोग हैं जो अपनी गाड़ियों को ब्रिज के किनारे लगाकर और रुक गए हैं ये देखने के लिए कि अमित शाह कैसे गुजरते हैं। और ओपन जब अपनी रथ पर निकलेंगे यहाँ से, तो जाहिर है उन सबके पास बेहतर मौका होगा देखने का। लेकिन भीड़ और वोट का जो ये फासला है, वो हर राजनेता के दिमाग में उबलने वाला एक ऐसा सवाल है जो जवाब अगर वो जान जाए तो शायद मेहनत का दायरा समझ जाए अपने। श्वेता, बिल्कुल श्वेता, आप आगे भी बने रहे, आगे भी आपसे हम सवाल लेंगे और आपसे और जानकारी लेंगे, लेकिन आपको अब दिखाते हैं नंदीग्राम में ममता का रोड शो। तो दूसरे दौर के मतदान से पहले जबरदस्त प्रचार चल रहा है, क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन है। आपको बता दें, ये पांच तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं नंदीग्राम में, जिस वक्त ममता बनर्जी पहुंची, आप देखिए बाकायदा व्हील चेयर पर उन्होंने ये पूरी जो यात्रा है वो अपनी तय की। और साथ ही साथ देखिए किस तरह से टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता जो है उनकी भीड़ आपको दिखेगी, दोनों ही तरफ से रेला लगाकर ये टीएमसी के कार्यकर्ता आपको यहां पर नजर आएंगे। ममता बनर्जी ने पूरी कोशिश की है कि आम जन से वहां पर उनका जुड़ाव हो सके, उनसे मुलाकात हो सके, बात हो सके। সারা নন্দীগ্রাম কলা পাংলায় গুন্ডাদি করে বেড়াচ্ছে, সন্ত্রাস করে বেড়াচ্ছে, এমনকি আমার কাছে খবর আছে নিজের একটা মেয়েকে নিজেরা খুন করবে, করে বললে তৃণমূল করেছে, ধরে দাঙ্গা বাজিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করবে। এই প্ল্যানে ওদের আছে, এই প্ল্যান আছে বলে প্ল্যানটা আগে আপনাদের আমরা জানিয়ে দিলাম। আমি আপনাদের বলি, এরা মানুষের ভোট বিশ্বাস করে না, এরা মানুষকে বিশ্বাস করে না, এরা 900 টাকা 950 টাকা গ্যাসের দাম করে, গ্যাসের দামে বাজার আগুন, পেট্রোলের দাম বেড়ে গেছে, ডিজেলের দাম বেড়ে গেছে, নোটবন্দির টাকা কোথায় গেল, রেল বন্ধ করে দিচ্ছে, বিএসএনএল বন্ধ করে দিচ্ছে, এমটিএনএল বন্ধ করে দিচ্ছে, এয়ার ইন্ডিয়া বন্ধ করে দিচ্ছে, জিনিসের দাম হু করে বেড়েছে, বাড়ছে। আর কৃষকরা আন্দোলন করছে, কৃষকদের জমি জমা সব লুট করে দিচ্ছে। তাই মনে রাখবেন, নন্দীগ্রামের মানুষ আমি যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারতাম, কিন্তু নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়ে তার একটাই কারণ, আমি নন্দীগ্রামের ভূমিকে প্রণাম জানাই, আমি নন্দীগ্রামের মা বোনকে প্রণাম জানাই, আমি নন্দীগ্রামের আন্দোলনকে প্রণাম জানাই। আমি নিজে ইচ্ছা করে নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি, আমি যে কোনো জায়গায় বাংলা দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় দাঁড়াতে পারতাম, যে কোনো জায়গায় জিততে পারতাম, কিন্তু আপনারা ভূমি আন্দোলন নিয়ে, আমি যখন আমরা অনশন করি 26 দিন, যেভাবে আপনারা আন্দোলন করেছেন, সেই আন্দোলনকে স্যালুট জানাবার জন্য আমি শ্রীমূর থেকে নন্দীগ্রামকে আমি আজকে এই নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি। আপনাদের সকলের আশীর্বাদ সহযোগিতা চাই। কেউ যদি ভোট পাবেন না, নিজের ভোটটা দিয়ে মেশিন খারাপ করে রেখে দেবে, এই সব এলাকার অনেক ইচ্ছা করে করে আপনারা দাঁড়িয়ে ভোট দেবেন, ওয়েস্ট করবেন দরকার হলে কিছু করুন। और नंदीग्राम में बीजेपी के प्रचार अभियान की कमान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संभाल रहे हैं। आज अमित शाह के रोड शो को लेकर भी प्रधान सुबह से एक्शन में हैं। धर्मेंद्र प्रधान का दावा है कि नंदीग्राम की सीट पर उनके उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी की ही फतह होगी, क्योंकि बंगाल की जनता तोलाबाजी की सरकार को नकारने का मन बना चुकी है। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। सर, आप यहां पर नंदीग्राम में काफी वक्त से ठहरे हुए हैं, यहां पर कैंपेन जो है वो आपने संभाल रखा है, आज आखिरी दिन है प्रचार का, तो आज आप क्या कहेंगे, आकलन क्या कह रहे हैं? हमें नंदीग्राम की जनता की आशीर्वाद
मिलेगा इसमें हमारी पूरा विश्वास है। देश की गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी आज उसी निवेदन को दोहराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वार्ता लेके नंदीग्राम की विकास के लिए, नंदीग्राम की सुरक्षा के लिए, विशेष करके माताएं बहने और युवाओं की चाकरी के लिए, संपन्नता के लिए हम संदेश देने आए हैं। हमें भरोसा करिए, हमने पिछले 7 साल से देश को संभाला है, बखूबी संभाला है। जिनको आपने पिछले 10 साल से यहाँ भरोसा किया, इन्होंने तोलाबाजी किया, भ्रष्टाचार किया, दिल्ली की पैसे को अपने जेब में भरा, इसी के खिलाफ लोगों की मन बन चुका है। वोट उसी पे लोग देंगे, उसको और तेजी में लाने के लिए हम लोग आज निवेदन आखिरी बार करेंगे।